नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार हेल्प यूट्यूब चैनल और मैं हूं जी। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से नए विभाग में दोस्तों यहां पे बहाली आने जा रही है और यहां पे दोस्तों अलग अलग तीन प्रकार का पोस्ट होने वाला है। इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे कौन कौन सा वैकेंसी है, साथ में दोस्तों कौन सा विभाग में ये बहाली है और साथ में आपको ये भी बताएंगे कौन कौन सा वैकेंसी का अभी आवेदन चल रहा है, यानी कि तमाम जानकारी आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं और सारा ये बिहार का वैकेंसी होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कि आपको सही और सटीक जानकारी मिलने वाला है। चलिए दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, उन लोगों को भी पता चल जाए वैकेंसी के बारे में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। इस तरह का लेटेस्ट देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे, एक पेपर कटिंग दिखला दे जो 13 सितंबर 2023 को पेपर कटिंग रिलीज किया गया, इसी में सारा जानकारी दिया गया भर्ती से जुड़ी जो भी जानकारी निकल कर रही है। और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से भर्ती अभी बिहार में फिलहाल चल रही है, जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देख सकते बताया गया पशु चिकित्सा एवं पदाधिकारी कर्मियों के पदों पर हो रहा है सृजन, खुलेगा 100 पशु अस्पताल, सहायक और पर्यवेक्षक एवं ड्राइवर की होगी बहाली। ठीक है, यानी कि 100 पशु अस्पताल खुलेगा जिसमें सहायक पर्यवेक्षक और ड्राइवर की होगी बहाली। अब चलिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते और सारी जानकारी समझते कब तक ये बहाली ले ली जाएगी, क्या इसमें योग्यता बात किया गया है, किस तरह भर्ती की प्रक्रिया होगी इसमें जानकारी दिया गया। जैसे बताया गया पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने मंगलवार को सभागार में विभागीय समीक्षा की बैठक की। इस दौरान प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य में यानी बिहार में 100 पशु चिकित्सालय का निर्माण RDF के माध्यम से कराया जाएगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने जिले में पशुधन सहायक और पर्यवेक्षक और ड्राइवर के कमी को मामला उठाया। ठीक है, यानी जो भी जिला पशुपालन पदाधिकारी है उन्होंने बताया कि अभी तक यानी कि जो भी पशुधन सहायक है, पर्यवेक्षक है और ड्राइवर की जो कमी है तो उसके माध्यम से ये नहीं हो सकते हैं। तो इसी पर प्रधान सचिव ने यानी जो भी प्रधान सचिव है विजय लक्ष्मी ने बताया कि इनकी नियुक्ति के लिए विभागीय कार्रवाई को आगे बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए। ठीक है, यानी कि जो भी प्रधान सचिव है यानी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के, उन्होंने भर्ती कराने का निर्देश भी जारी कर दिया है। राज्य के पशु शल्य चिकित्सालय में चलाई जा रही 24/7 पशु चिकित्सा सेवा की समीक्षा के बताया गया कि यहाँ पदाधिकारियों कर्मियों के पदों पर सृजन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने पशु चिकित्सा बध्याकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भधारण, किसान क्रेडिट कार्ड, मुर्गी एवं बकरी विकास योजना आदि की समीक्षा की, उन्होंने यह जानकारी निकल कर। तो दोस्तों हम आपको तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से जो भी भर्ती की बात करते हैं, पशुधन सहायक और पर्यवेक्षक और ड्राइवर के पदों में भर्ती आने वाली है, जिसको लेकर फिलहाल अभी इतना ही अपडेट जारी किया गया है। जिसे इसको लेकर यानी ऑफिशियल सूचना जारी हो जाता है हम आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे कि कब से कब तक इसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगा, कैसे इसका भर्ती की प्रक्रिया होगा। चलिए अब जो बिहार में भर्ती चल रही है जो कि आप आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पर क्लिक करेंगे www.biharhelp.in के वेबसाइट पर चलेंगे। यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा आपको स्क्रोल डाउन कर देना, नीचे के स्क्रोल डाउन करेंगे लेटेस्ट जॉब में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट भर्ती आती है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते जैसे स्क्रोल डाउन करेंगे दिखाई देगा BTSC ड्राइवर रिक्वायरमेंट 2023, इस पे आपको क्लिक कर देना। अभी जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है, जो कि लास्ट डेट की बात करते हैं इसका लास्ट डेट 30 सितंबर तक रखा गया है, जो कि और आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें 145 पदों पर भर्ती आई रही है, जो कि देखिए 12th पास इसमें रखा गया है। इस भर्ती के रिगार्डिंग सारा जानकारी इसमें बताया गया, अच्छी तरह समझाया गया। तो अगर आपको भर्ती को लेकर आवेदन करना तो यहाँ से पढ़कर आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते बात किया गया सभी आवेदक 12वीं पास होना चाहिए, वाहन सारा चीज जानकारी दिया गया। तो आपको अगर ड्राइवर के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। और भी बहुत सारा भर्ती आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जिससे फिर से वो लेटेस्ट जॉब के ऑप्शन पाएंगे तो नीचे की सारा जानकारी इसमें बताया गया। देखते हैं बिहार मिड डे मील डाटा एंट्री ऑपरेटर का इसमें दिया गया है। देख सकते रेल कौशल विकास योजना ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ से भी आप आवेदन कर, लेटेस्ट भर्ती जो भी बिहार में चलाई जाती है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा बहुत सारे। जैसे बिहार जिला बालिका गृह भर्ती 2023, इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए। यानी सारा भर्ती जो भी है अगर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आप मैट्रिक पास पर आवेदन करना चाहते हैं या इंटर पे या स्नातक पे, तो आपके रिगार्डिंग जो भी इसमें भर्ती दिया गया जैसे बिहार टोला सेवा का भी इसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट है आपको सारा जानकारी देखने को मिल जाएगा। बस यही अपडेट वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।